सत श्री अकाल, मैं हाँ किरण ते तुसी देख रहे हो हॉट न्यूज इंडिया टीवी। अमृतसर ऑपरेशन ब्लू स्टार दी 39वीं वरेगंढ तो एक दिन पहला दल खालसा ते होर सिख संगठना वालों बहुत वड्डी तादाद विच एक आजादी मार्च कढ़िया गया। इस मार्च विच सिख संगठन जथेबंदियां ने हिस्सा लिया। अमृतसर दे गुरुद्वारा अकाली फूला सिंह बुझ तो पहला अरदास कीती गई अते अरदास उपरंत यह मार्च कढ़िया गया। इस मार्च विच भारी गिणती विच सिख संगठना ते गर्म ख्याली जथेबंदियां ने हिस्सा लिया। यह मार्च शहर दे वख-वख हिस्सियां तो हुंदा होया सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे कोल जाके समाप्त होवेगा। हॉट न्यूज इंडिया टीवी दे लिए अमन तगड़ दी रिपोर्ट। अज गुरु बाबा अकाली फूला सिंह तो दरबार साहब तक घल्लूघारा यादगारी मार्च कढ़िया जाना है। ये मार्च उन्होंने शहीदों सिजदा करने के लिए है जिन्होंने इंडियन आर्मी वालों जो 1984 जून के महीने हमला किया गया सी, उन्होंने डट के मुकाबला करते हुए सिख कौम के माण को वधाया और शहादत प्राप्त की, जिन्होंने दरबार साहब बेअदबी कर आई फौजों का मूंह तोड़ जवाब दिता और दसिया कि सिख चाहे बेशक उन्होंने को राज हो चाहे ना हो अपने आप के गुरु की बख्शी सदका एक पूरी की पूरी आर्मी आ और 1984 इंडियन आर्मी का मुकाबला सिख आर्मी ने डट के किया। असी उन्होंने सिजदा के फुल भेट करने के लिए दरबार साहब जाके उन्होंने निवेदन अरदास करांगे और 6 जून अमृतसर बंद का सदा आ एक मैसेज देन दे रही है कि जेडे जख्म सानू इंडियन स्टेट ने दिते से अज तो 39 साल पहला उन्होंने पंजाब के लोग अज भी याद रखते हैं। बंद करके अमृतसर के लोग इस गल का मैसेज देंगे दे इंडियन स्टेट को कि ताड़े वालों दिते गए जख्म सानू अज भी याद आ और जेडे सोच में तुम मारन की कोशिश की साड़ी आज़ादी की सोच में वो अज भी जीवी तो जागती और साडा खालिस्तान की संघर्ष अज भी ज्यों का त्यों चल रहा है और ये उदों तक चलेगा जदों तक असी एक आजाद मुल्क खालिस्तान होद चलिया नहीं। ये जिहड़ियां कौमां संघर्ष करदियां ने उन्हां दे नाल इवें हुंदा ये कोई तरला नहीं हुंदा किसे दे अगे कि साडे बंदी सिंघ छड्ड दिओ, सिर्फ असीं बंदी सिंघां दी रिहाई दी गल इस करके कर रहे हैं क्योंकि इंडियन सिस्टम के तहत भी वो सज़ा पूरी कर चुके हैं। सो ये कोई तरला नहीं है, आज़ादी का जो संघर्ष चलता है हो सकता अगली बारी साडी जां तुहाडी किसे होर दी होवे। सो जिहड़े आज़ादी दे लई निकले ने जिन्हां ने अपनी कौम दे लई निकलना है जाहिर जी गल है दुश्मन उन्हां नूं अपने हथ कंडियां दे नाल दबाउण दी कोशिश करेगा। सो ये जिहड़े जिन्ने बंदी सिंघ हुंदे ने कौम दा माण हुंदे ने ये तरस दा पात्र ने। सारे अदारे बंद रहेंगे सिवाए मेडिकल सहूलतों तो हॉस्पिटल कैमिस्ट शॉप्स जिहड़ियां लैब्स ने वो सारियां खुल्लियां रहणगियां और आवाजाई खुल्ली रहेगी। उदों इलावा चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने चाहे और जिन्ने भी कारोबारी अदारे ने सारे बंद। जिन्हों लगता है कि जिन्हों लगता है खत्म हो चुका है, खास तौर पर इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा ही बंगलौर बह के कि खालिस्तान की कोई लहर नहीं गई, उन्होंने अच्छ इतने अमृतसर की धरती उत्ते होना चाहिए। सानू अफसोस है कि इतने नहीं है, वो अपने आप आके वेख लेंगे इतों मैसेज उन्होंने मिल जाना है भी जी सोच तुम कहें मर चुकी है लहर नहीं हैगी आके देखे इतने लहर है कि नहीं है। एक प्रॉपर कमेटी बनती है जिन्हें डिसाइड करना होंगे कि फोटो लगनी कि नहीं, सो ये बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, उस कमेटी ने डिसाइड करना होंगे कि लगनी कि ठीक। आज दे दिन उपर मैं ये कहना चाहूँगा भी जेड़ा ये हफ्ता सारा 6 जून का पहला हफ्ता ये रोस वजो मना रख्या जांदा गा सिख इतिहास में, तो ये एक तरह नाल ओहो हफ्ता गा जेड़ा कि असी आप दियां आने वाली पीढ़ियां नू भी ये याद दवाउण नू याद करते रहांगे भी जेड़ा अज तो 40 साल पहला जेड़ा समय दियां सरकारां ने साडे नाल पंथ नाल जेड़ा धक्का कीता सीगा साडे गुरु घरां नू तोड़िया सीगा ते साडे जिहड़े शहीद किए गए सीगे उदों दे जरनैल उन्हां प्रति ये रोस आ, ते असीं आपदियां आउण वालियां पीढ़ियां नू भी ये याद रखण लई ये चीज़ अज दी आउण दियां पीढ़ियां तक ये चीज़ दिन याद रखांगे। देखो इस चीज़ का दुख तो जिहड़े कोई गिनती मिनती वाली गल नहीं हैगी भी जे एक किसी भी धर्म की गल कर लो जे उन्हां दे तुसीं जिहड़े स्थान आ धार्मिक स्थान आ जे उन्हां नू तोड़ोगे तो उहदा दुख भी होगा तो उहदा रोस भी होगा। ਜਨਾਲੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ?
देखो जेडे ये सीगे भी उन्होंने जे मैं गल करूँगा भी नौजवान जेडे जेलों में डके गए आ वो क्यों डके गए आ भी वह धर्म का प्रचार करते सीगे तो धर्म का प्रचार करना की गलत गल आ जे एक पासे तो यह गल करते भी तुसीं एक आजाद देश के नागरिक हो तो दूजे पासे असीं आपदा धर्म भी नहीं प्रचार कर सकते होर किहड़े तुसीं ये दसो भी होर किहड़े धर्म च जेडे धर्म का आपदा प्रचार करते उन्होंने किन्हां नूं पाबंदियां सिर्फ सिखां नूं छड्ड के होर सारे आपदे धर्म का प्रचार खुले तरीके तो आपदे जिवें चाहुंदे उवें कर सकते आ कि सिर्फ सिख ही उस तरीके आपदा प्रचार नहीं कर सकते जे वह प्रचार करते तो उन्होंने की जेलां ही मिलदियां हैगियां यही चीज़ का यही गुलामी का एहसास आ भी असी आपदे जिहड़ा धर्म का प्रचार भी आपदे तरीके नाल नहीं कर सकते तो समय दियां सरकारां ये पहलां भी उही करदियां रहियां ते हुण भी धक्का जिहड़ा सिखां नाल करदियां ते करदियां ही रहणगियां पंजाब प्रति जां सिखां प्रति उही सरकार काम करूगी जिहड़ी कि पंजाब की निरपक्ष सरकार होगी ना कि वह दिल्ली के कहने च हो जिन्ना चिर सरकार दिल्ली के कहने चलूगी उन्हें ना पंजाब के हितों की जां आपां कह लईए भी पंथ प्रति उन्होंने ना कदे सोच रखनी आ ते ना गांह रखी जाऊगी तो उही सरकार आपां नूं लियाउणी पैणी आ जिहड़ी कि अपने निरपक्ष पंजाब की ते पंथ की गल करे इतों मार्च शुरू होकर जी यदा रूट मैप बनया होया तो दरबार साहब तक जाना जी नहीं उस तो बाद नहीं हुई वह प्रोसीजर वो असी फॉलो कर रहे हैं तो एस जी पी सी के थ्रू होके फॉलो सिस्टम हैगा वो चल रहा जी हजे जो वेखा जाए पुराने जो बंदी सिंह उन्होंने नहीं रिहा किया गया तो जो हूँ नवा देखो उही तो गल मैं कर रहा भी जिहड़ा भी आपदे धर्म का प्रचार करता सिख उन्हूं जेलों में डक्या जाता क्यों सिखां नूं जे प्रचार करन ते जेलां ही क्यों मिलदियां हैगियां इस दा सारे नूं आपां नूं सरकारां जिहड़ियां भी बांदे आ जदों वह अपने तो वोटां लैण आउंदे आ कि आपां उन्हां नूं ये सवाल नहीं पुछ सकते भी कि यह साडी आजादी आ भी असीं आपदे धर्म का प्रचार भी नहीं आपदे तरीके नाल कर सकदे गे ते जे आपां अज गल करिए तां इही रोस मार्च आ जिहड़ा कि सारिआं दा अपने इकट्ठ दा इही प्रतीक आ भी आपां सारे इकट्ठे हाँ तो आप अपने पंथ प्रति कोई भी जी 19-21 नहीं सुन सकते गे जे पिछले 2 महीनों तो भी अपने सिख नौजवान जेलों में डके गए उन्होंने भी असं सारे इकट्ठे हाँ कल बंदी भी कॉल दी गई है देखो बंदी कॉल तो एक यह रोस वजो दी गई आ भी आप 40 साल पहला वाला जोड़ा हफ्ता से उन्होंने याद रखिए ये याद रखिए तो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखिए भी जड़िया सरकार ने अपने धक्का किया।